तो वापस आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और शाम को ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ आई है जो आप लोगों को दिखानी है, जो कि ये है एक माइक्रोफोन जो कि मैंने ब्लॉगिंग के लिए मंगवाया था, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और नए नए ब्लॉग्स आने वाले हैं, इस वजह से मैंने ये ब्लॉगिंग वाला माइक मंगवाया। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं। अनबॉक्सिंग मैंने इसकी पहले वैसे कर ली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको वापस डिब्बे में पैक करके ब्लॉग में अनबॉक्सिंग कर लेंगे, क्योंकि आज मैंने ब्लॉग करना ही है, क्योंकि हमारा एक क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है इधर, तो मैंने सोचा वहाँ पर जाके भी ब्लॉगिंग करेंगे। तो रात को वहाँ पर जाना है, अभी टाइम हो चुका है यहाँ पे 6:30 हो चुके हैं, तो और हमने जाना है 9 बजे, हमने 9 बजे यहाँ से जाना है। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा इसका रिव्यू देते हैं। सबसे पहले ये इसका इस तरह का बॉक्स है जिसके अंदर ये आया है, उसके बाद इसको यहाँ से ऊपर से ऐसे नीचे धकेलना है ताकि ये बाहर निकल आए। मैंने ड्यूअल माइक नहीं मंगवाया, यहाँ पे इधर लिखा होता है एक ये सिंगल है और ये डबल माइक्स है, तो मैंने ये सिंगल वाला मंगवाया क्योंकि मेरे साथ कोई और है तो नहीं जो करे व्लॉगिंग, तो मैंने ये सिंगल वाला ही लिया। यहाँ से इसको निकालते हैं भाई, ये है हमारा मेन माइक, इसके पीछे यहाँ पे ये क्लिप लगी हुई है जिसके साथ ये किसी भी कपड़े के साथ किसी भी चीज़ के साथ ये ऐसे लग सकता है। और अब आती है ये चीज़ जो कि है इसका रिसीवर, जो कि मोबाइल के जो हेडफोन जैक होता है उसके अंदर लगेगा और ये इसको सिग्नल भेजेगा और कनेक्ट करेगा। तो इसके बाद जब हम ये रिसीवर मोबाइल के अंदर लगाएंगे, या ये कैमरे में भी लग सकता है किसी और में, इसके 3 मोड्स है कैमरा वाले, एक मोड है कैमरा वाला, एक फ़ोन वाला और एक है पीसी या लैपटॉप वाला, तो ये तीनों चीज़ों में लग सकते हैं। और ये रिसीवर जो है इसको हम यहाँ से करेंगे ऑन, ये इसकी रेड ग्रीन लाइट जो है यहाँ से हो रही है इस तरह। और अब यहाँ पे इसके पीछे यहाँ पे बटन है, इसको दबाएंगे तो ये आपस में दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, देखें दोनों कनेक्ट हो गए, दोनों में ग्रीन लाइट जल रही है। और अब मैं जैसे इस रिसीवर को लगाऊंगा इस मोबाइल के अंदर तो ये इस तरह से काम करने लग जाए। फिलहाल अभी इसको ऑफ करते हैं, ये ऑफ हो चुका है और ये डिसकनेक्ट हो गया और ये भी ऑफ हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे बॉक्स की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे हमें नीचे एक मैनुअल देखने को मिलता है जो कि अभी थोड़ा निकालना मुश्किल है, चाइनीज़ में है शायद मैनुअल, ये कुछ इतना लंबा मैनुअल मुझे ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी ट्यूटोरियल देख लिया है। और ये यहाँ पे एक बॉक्स है जिसके ऊपर केबल बनी हुई है, तो अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये यहाँ से डिब्बा खुल चुका है और इसके अंदर है हमारी चार्जिंग केबल जो कि इस माइक को चार्ज करेगी और शायद रिसीवर को भी करेगी, मैं देखता हूँ किस किस में है चार्जिंग पॉइंट। चार्जिंग पॉइंट ये रिसीवर में भी है और ये यहाँ पे इधर साइड पे इसमें भी है। और ये केबल है टाइप सी वाली, क्योंकि ये मेरा फ़ोन जो है ये भी टाइप सी चार्जर से ही चार्ज होता है, और मैंने सोचा कि माइक भी ये वाला ही ले लूँगा, वैसे बेहतर रहेगा क्योंकि एक है यहाँ पे
लिखा हुआ, एक यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं फॉर टाइप सी, और एक लिखा हुआ है फॉर आईफोन। तो मेरे पास आईफोन तो है नहीं, तो इस वजह से मैंने टाइप सी वाला मंगवाया है। तो अभी इसको लगा के चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी आती है। ये का मैंने अपने हाथ में ले लिया, और आप पता नहीं इसकी कैसी क्वालिटी आ रही है, साउंड क्वालिटी। तो इसके तीन मॉड्स हैं आई थिंक इसके रिसीवर में, तीन मॉड्स है। एक है ग्रीन कलर की लाइट जलती है जब, तो वो कैमरा और उसके लिए DSLR वगैरह के लिए। और एक है ब्लू लाइट, है मोबाइल के लिए, और मोबाइल जैसी डिवाइसेस के लिए जैसे होते हैं मोबाइल ही समझ लें। और एक है लाइट ब्लू, लाइट आती है इसके अंदर जो के है PCs वगैरह के लिए, लैपटॉप वगैरह के लिए। अभी मैंने यहाँ पे की हुई है ब्लू लाइट, मैंने ऑन की हुई यहाँ से रिसीवर से, मैं दिखाता हूँ। माइक उतार दिया है, तो अब यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास रिसीवर है। इसका नाम मैं पहले आपको बताता हूँ, ये देखिए जब शुरू शुरू में इसको ऑन करते हैं ना, तो इसकी ऐसे ग्रीन लाइट होती है। फिर इसको जब ये पावर वाले बटन को एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो इसकी लाइट हो जाएगी ब्लू। ये है मोबाइल के लिए, और जो पहले ग्रीन थी वो थी कैमरा और DSLR के लिए। और एक दफ़ा इसको और प्रेस करेंगे तो इसकी यहाँ से हल्की सी लाइट ब्लू हो जाएगी, स्काई ब्लू जिसको कहते हैं। और ये हो है PC और लैपटॉप के लिए जो कि एमुलेटर वगैरह होते हैं उसके लिए। तो ये और इसके अंदर कुछ भी नहीं, इसके अंदर वैसे ही है। अब मैं दोबारा से इसको लगाता हूँ और चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है। यहाँ पे मैंने इसको ब्लू पे सेट कर लिया क्योंकि ब्लू है मोबाइल्स के लिए, और मैं मोबाइल से व्लॉगिंग करता हूँ, तो ये इसके लिए ठीक है। यहाँ पे देखिए इधर मिरर में दिखाता हूँ, ये ब्लू लाइट ऑन है यहाँ से, और मैंने अपने हेडफोन जैक के अंदर लगाई हुई है। और ये है माइक जिसके अंदर मैं अभी बोल रहा हूँ, पहले आवाज़ सही नहीं आ रही थी सॉरी, क्योंकि नीचे था। तो मैं अभी फिर से बता देता हूँ कि ये यहाँ पे सामने देख रहे होंगे मिरर में, यहाँ पे ब्लू लाइट ऑन है। ब्लू लाइट का मतलब है कि ये मोबाइल के लिए काम करेगी। और ये छोटा सा माइक मेरे हाथ में है जो कि यहाँ पे कॉलर के ऊपर लग सकता है, और कहीं और भी जगह पे लगाने तो आप लगा सकते हैं। पता नहीं क्वालिटी कैसी आ रही, मुझे पता नहीं चल रहा मैं बोल रहा था और अब मैं वैसे बोल रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत लैग हो रहा है इसको बस। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं माइक में बोल रहा था और अब मैं वैसे बोल रहा हूँ बिना माइक के, तो देखते हैं पता नहीं कैसी साउंड क्वालिटी आ रही। दोनों का डिफरेंस आप चेक कर लेना, और मैं ऊपर लिख दूंगा, टेक्स्ट लिख दूंगा कि कौन सी बिना माइक की और कौन सी माइक की, तो आप बता देना कौन सी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। अब मैंने माइक लगा लिया है और क्वालिटी देखते हैं पता नहीं कैसी आ रही। यहाँ पे मुझे ऊपर दिख रहा होगा माइक, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा माइक है, ये इधर कॉलर के ऊपर भी लग जाएगा। और इसकी मैंने लाइट ब्लू लाइट ऑन की हुई है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने अभी ब्लू लाइट ऑन की थी जो कि मोबाइल के लिए थी, तो मुझे उस पर कोई भी ऐसे बिना माइक के और माइक का कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आया। तो मुझे लगा है कि वो ब्लू वाली लाइट काम नहीं करती, तो अभी मैंने लाइट ब्लू वाली ऑन की है तो शायद ये वाली काम कर दे। मुझे खुद नहीं याद आ रहा कौन सी मैंने देखी थी। नहीं मुझे समझ आ चुकी है, क्योंकि ये जो ब्लू वाली लाइट है यही ठीक है। और अभी मैंने सारी लाइट एक दफ़ा चेक करके देखी और सबसे बेहतर मुझे लग रही है ग्रीन में, ग्रीन लाइट में और लाइट ब्लू लाइट में मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। मतलब कि दोनों रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ये जो मेरे मोबाइल का है स्पीकर ये रिकॉर्ड कर रहा है, माइक जो मोबाइल में होता है, और ये जो मैंने हाथ में पकड़ा है ये तब काम कर रहा है जबकि जब मैं ब्लू लाइट ऑन करता हूँ। तो अभी आप एक दफ़ा डिफरेंस चेक करें, मैं बोलते बोलते माइक नीचे ले जाता हूँ, एक बार चेक करें। अभी मैं बोल रहा हूँ और आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है कि नहीं, थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी मैं अपनी कम कर लेता हूँ, आप चेक करें।
नहीं, वो मैंने अपना माइक बंद कर लिया था, पता नहीं कैसे बंद हो गया, शायद बैटरी खत्म हो गई इस वजह से, और इसकी बैटरी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही, तो मैं टूर्नामेंट पे जाने से पहले इसको चार्ज कर लूंगा दोनों चीजों को, ताकि ये अच्छी तरह वर्क करे, वहां पे इसकी बैटरी डाउन ना हो जाए। और आप लोग सोच रहे हैं कि मैं एक ही केबल से दोनों ये चीजों को चार्ज कैसे करूंगा, तो अगर आपके पास कोई भी टाइप सी वाली केबल पड़ी हुई है और आप वो एक चीज के साथ लगा सकते हैं, बाकी जो इसके साथ आई है केबल वो आप दूसरी चीज के साथ लगा सकते हैं, इस तरह आपकी दोनों चीजें चार्ज हो सकती हैं। और अभी मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये माइक की बैटरी दोबारा से खत्म ना हो जाए। यहाँ पे अभी ग्रीन लाइट, ये देखे रेड लाइट दे हुई, अभी इसका ये साइन है कि इसकी बैटरी खत्म होने वाली है जल्दी, तो इसको चार्जिंग पे मैं लगा के उसके बाद जब टूर्नामेंट पे जाना होगा तब आपसे मिलता हूँ। नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, 4 मिलियन कमोबेश इस टूर्नामेंट के अखराजात हैं, मकसद सिर्फ तहसील के टैलेंट को ऊपर लाना है। रात को हम ऐसे आ गए थे तकरीबन 2:30 बजे ऐसे रात के, तो तब मैं आते ही सो गया था और मैंने व्लॉग एंडिंग नहीं की, तो मैं अभी अगला दिन हो चुका है और मैं अब व्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक नया व्लॉग बनाना है, एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग आने वाला है, तो ज़रूर इंतज़ार करना, हम एक नई चीज़ लेने जा रहे हैं। और बस इतना ही बताऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, आप अगले व्लॉग में देखना। बाय।